Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. तो आज ही हमारे मैन ऑफ द सीरीज हैं, बहुत खुश हैं, मिस्टर वैभव फ्रॉम लखनऊ, मैं राहुल मार्किन फ्रॉम दिल्ली और रोशन फ्रॉम मुंबई. एंड देखिए, वैसे ये लास्ट वाला मैच तो ऐसा था, एज अ गिफ्ट हमने श्रीलंका को दे दिया. जो कल रात आपने देखा, ऐसे था ना, किसी मेहमान के घर जाओ तो आप सारे जीते जाओ, अच्छा थोड़ा लगता है, तो कुछ तो उनको दे के आना है ना. तो फिर हमने ऐसा किया कि चलो दे दो यार, ये आखिरी मैच है, दे देते हैं, ये गिफ्ट कर दिया. पांच डेब्यू प्लेयर, इट्स लाइक आपने मुझे छोटा समझ के गिफ्ट कर दिया. लो बेटा, तू आखिरी मैच भी जीत ले. भाई आज तो ये जो कल का मैच हुआ, तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो यही थी कि पांच इंटरनेशनल डेब्यूज हुए इंडिया की तरफ से. डेब्यूज लास्ट टाइम आज से 40 साल पहले ऐसा हुआ था, 1980 में, वो मेलबर्न में हुआ था. और आज 2021 में, मतलब 40 साल के बाद ऐसा हुआ है कि एक ओडीआई में इंडिया ने पांच एक साल डेब्यू करा दी नए इंटरनेशनल्स. मैं आपसे राहुल भाई पिछले मैच में भी कह रहा था कि इस बार आप देखोगे थर्ड मैच के अंदर चेंजेस ही चेंजेस मिलेंगे. पर मुझे लगा था ऐसा नहीं करेंगे, मुझे लगा था नहीं ऐसा करेंगे. तो वो हारना तो बनता था. और फिर भी मतलब लास्ट के जो आपने देखा ना, जब तीन विकेट रह गए थे, 7 रन चाहिए थे, 3 विकेट रह गए थे, तब भी हमें लग रहा था कि एक दो विकेट जाते जाते राहुल चाहे रन ना ले जाए. अगर शॉ, अच्छा एक चीज, 17 रन चाहिए था तब शॉ अगर वो कैच भी पकड़ लेता तो मैच बदल जाता, इंटरेस्टिंग होता. पृथ्वी शॉ के अलावा पांच कैच इस बार इंडिया की इनिंग में छूटे हैं, तो वो बड़ा स्लॉपी फील्डिंग थी. मतलब शिखर धवन जैसा बंदा वो कैच कभी नहीं छोड़ता है, मनीष पांडे जैसा बंदा वो कैच कभी नहीं छोड़ता है, तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स ने कैच छोड़े हैं, पांच कैचेस छूटे हैं. सोचो अगर वो पांच कैच हो जाते तो मतलब 10 तो बड़ी जल्दी आउट हो जाने थे. तो अच्छा आप लोगों ने एक चीज नोटिस की श्रीलंका शायद वो जीतना भूल गई है. लाइक आप देखो कि जहां पर लग रहा था कि आप 20-22 रन चाहिए, आपके पास अराउंड 70-80 बॉल्स बनी हुई है, और उसके बाद वो ऐसे खेल रहे हैं, आई डोंट नो कि टारगेट शायद 300 प्लस का है, 400 प्लस का है, एंड वो डर, वो सहमे हुए थे. उनको पिछला मैच भी याद आ रहा होगा कि 7 विकेट लेने के बाद हम मैच हारे थे, और पिछला पूरा साल उनको याद आता होगा. पिछला मैच भी, पिछला पूरा साल जिसपे वो खाली एक ही मैच जीते, सेकंड मैच किंग द लास्ट. हाँ तो वो शायद जीतना बोले, वो आदत होती है ना कि आपको हारने की आदत इतनी डाल दी कि आप जीते हुए मैच को भी ऐसे खेलते हो कि कहीं मैं इसको लूज ना करता हूँ. तो ये बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे. खैर एक और चीज बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई उनके ओपनर्स ने आज थोड़ा सा सेटबैक किया, भारत को थोड़ा सा पीछे डाला. सो श्रीलंका ने आज अच्छा खेला, नो डाउट अच्छा खेला, जीत लेने दो. जो सबसे अच्छी रही उनकी सेकंड विकेट की पार्टनरशिप, 109 रन की थी आई थिंक. एंड उनका जो दूसरा गैम्बल था जो उन्होंने उनके जो स्पिनर को लेके आए, उसने बहुत अच्छा तीन अकेला, हाँ उसने 3 विकेट्स ले लिए. और ये उनका था, पहले दोनों मैचेस में उसको बिठा के रखा हुआ था, तो आई थिंक तो अगर इसको भी इंक्लूड कर देते असरंगा को, मैंने पिछला तब नहीं खिलाया. ओ भाई तो अब ये उसको क्यों नहीं खिलाया, बीमार था क्या था, उसको क्यों नहीं खिलाया, पता नहीं क्यों. राहुल भाई ने ले लिया था उसको, क्योंकि मैंने ले लिया था. तो ये बड़ी जिंक्स वाली फीलिंग आ गई है. हाँ अब यहाँ से सवाल ये पैदा होता है कि अब जो कल मैच है, जो T20 स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम अपनी टीम्स क्या सोच के बनाए. अब कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, तो अब अपने अपने 3 प्लेयर्स चूज कर लो जल्दी जल्दी से, और फिर देखते हैं कि मैं चूज करूंगा. लेकिन उससे पहले रोशन भाई, हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट लिया है. अरे यार आपको वही बंदा बचा गया, हार्दिक ये अभिजीत को पहला इसका कैप्टन देगा हार्दिक पांड्या. तो आज शुरू करेंगे राहुल भाई से. राहुल भाई आप बताइए सबसे पहले 3 प्लेयर. देखो जी, मैं तो पृथ्वी शॉ को लूंगा क्योंकि उसको उसका खेलना बनता है. पृथ्वी शॉ खेलेगा बिल्कुल. नंबर 2 पे मुझे लगता है कि शिखर धवन तो खेलेगा ही खेलेगा, मुझे ये दो बंदे हैं. और तीसरा राहुल भाई बीइंग सेफ,
मैं बहुत सेफ होके खेल रहा हूँ, तो एक पृथ्वी शॉ, एक एक शिखर धवन और तीसरा राहुल चहर। मुझे लगता है कि चहर ने जिस हिसाब की बोलिंग करी है तो उसको खिलाएंगे 2020 फॉर्मेट में। वैसे भी वो जब मुंबई के लिए खेलता है तो बहुत अच्छा लेता है, विकेट्स तो बहुत अच्छी लेता है और अपने चार ओवर्स बहुत अच्छे से निकालता है। तो अब मुंबई की बात हुई तो आप तक भाई, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं भी सेम राहुल भाई की स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा। शिखर धवन हर मैच खेला है मेरे लिए और इंडिया के लिए, तो शिखर धवन। सेकंड मुझे चाहिए कि ईशान किशन खेले, सो 2020 है कंसीडरिंग ईशान किशन। एंड थर्ड वुड बी पृथ्वी शॉ। के टॉप थ्री में से सब खेल ले तो आगे ज्यादा जाना नहीं। वाह वाह वाह। तो मैं स्टार्ट करूंगा पहला, तुम्हारा पहला हार्दिक पांड्या। मुझे पता नहीं क्यों इस बार मैं हार्दिक, मुझे लग रहा है कि इस बार शायद हार्दिक पांड्या नहीं खेलेगा। पिछले तीनों मैचेस में वो बहुत अच्छा नहीं चला है, बहुत खराब। हाँ तो इसीलिए मैं उसको पहले से सोच चुका था कि अब इनके साथ नहीं, हो गई इनके साथ जितनी दोस्ती निभानी थी। थैंक यू सो मच हार्दिक, दो मैचेस आपने मुझे जिताए। सबसे पहला मैं पृथ्वी शॉ, दूसरा सूर्य कुमार यादव एंड तीसरा मतलब खेलना चाहिए ईशान किशन को, तो अलगोविद ईशान किशन। तो ये तीन प्लेयर्स हैं, लेट्स सी विदाउट हार्दिक पांड्या मैं जीतता हूँ कि नहीं जीतता हूँ। तो ऐसा कीजिए ना फिर, आप भी हमें जो सब सुन रहे हैं देख रहे हैं, आप जल्दी से आप भी अपनी वो ड्रीम टीम बना लीजिए अपना। हमने तो तीन तीन प्लेयर्स ले लिया, आप भी बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कि आपकी टीम कौन सा है। हो सकता है कि आप इस बार हमसे जीत जाएं, और फिर अगर आप जीते हैं तो फिर हम आपका नाम भी जरूर शाउट आउट लेंगे जी आपका। तो T20 राशन भाई इस बार मुझे तो नहीं हराना। अभी नया सीरीज है अगेन, मुझे चाहिए कि राहुल भाई ऑफ द मार्क हो जाए एक मैच से, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। दैट्स सो, इस बार बाबा आप जीतेंगे पहला मैच। शुक्र है। तो कल 7 बजे ये मैच शुरू होगा और जब खत्म होता है तो फिर से हमारी मुलाकात होगी रात को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टीम इंडिया एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। फीवर।